हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस मास्टर 3 इंग्लिश कंपलसरी वीडियो लेक्चर सीरीज दे विच तुहाडा स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 अपा स्टार्ट किया होया ऑन लैटर राइटिंग इज द लोंग क्वेश्चन ऑलरेडी अपा अटैम्प्ट कर चुके हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस अज कवर करांगे। सो जिन्हां ने सबसक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सबसक्राइब कर लो और शेयर भी नाल ही कर दो ताकि कोई भी नीडी परसन है उस तक भी मेरी वीडियो जल्दी जल्दी पहुँच जाए और नाल ही बैल आइकॉन भी प्रेस कर दिया करो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तुहाडे कोल जल्दी जल्दी आ जाए। दे नाल ही मेरे चैनल उत्ते काफ़ी सारा कंटेंट होर भी अवेलेबल आ, सो चैकआउट जरूर करो तो शेयर जरूर करो। सो चैप्टर नंबर 4 दे विच आपां शॉर्ट क्वेश्चन करने ने कि किद्दां किद्दां जिहड़ा है लैटर राइटिंग एक लो स्टार्ट है, किद्दां यह एक रैसिपी है लैटर राइटिंग जिहड़ी है, किद्दां बिल अते सैम जिहड़े सी लैटर राइटिंग नूं सोचते सीगे कि यह बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है लेकिन जिहड़ा लव लैटर्स है वह ईजी काम है। ठीक है, सो ए वाले क्वेश्चन नूं आपां कवर करांगे। सो हाउ डिड बिल एंड सैम लाइक राइटिंग लैटर्स और Why did Bill and Sam find writing love letters easy? तो अपा ने इतने क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि बिल और सैम जिहड़े ने लैटर राइटिंग बारे की सोचते हैं या फिर लव लैटर्स के बारे उन्होंने ईजी क्यों लगता है। लैटर्स जिहड़ियां सिंपल ने उन्होंने औखिया लगती है लेकिन लव लैटर उन्होंने लिखनी आसान लगती है, क्यों? ए जी गार्डनर हैज़ प्रजेंटेड द कन्वरसेशन बिटवीन टू सोल्जरस बिल एंड सैम। ए जी गार्डनर ने जिहड़े कि सिद्धे राइटर ने उन्होंने एक कन्वरसेशन पेश की है, दो सोल्जर ने बिल एंड सैम, ऐदा लग रहा है कि ब्रदर्स होंगे ने जिदा। ठीक है, तो आप जिहड़ी स्टोरी हैगी है अपने चैप्टर पढ़िया है समरी दे विच अपने की है, दे सीम टू बी ब्रदर्स, ऐदा लगता है कि वह ब्रदर्स ने। दे आर टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज़ ऑफ लैटर राइटिंग एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर खड़े ने और डिफिकल्टीज़ के बारे कन्वरसेशन उन्होंने वार्तालाप चल रही है कि लैटर राइटिंग जी है एक बोरिंग काम है, एक बहुत ही ज़्यादा औखा काम है। सैम आस्क हिज ब्रदर, हूँ सैम जो अपने भरा कह रहा है बिल नू नॉट टू फॉरगैट लैटर राइटिंग, कि भी तू लैटर राइटिंग भुल ना। बिल आलसो सेज दैट ही विल डेफिनेटली राइट लैटर, तो बिल भी उन्होंने प्रोमिस करता कि मैं जरूर ही एक चिट्ठी लिखागा। बोथ ब्रदर्स फाइंड डिफिकल्ट टू राइट लैटर, उन्होंने ब्रदर्स नू चिट्ठी लिखना बड़ा औखा लगता है। बिल फाइंडस दैट लव लैटर राइटिंग इज़ ईजी, हूँ बिल कह रहा है कहता लव लैटर राइटिंग तो बहुत ईजी है बिकॉज यू कैन राइट एनीथिंग इन दैट, क्योंकि तुम कुछ भी लिख सकते हो तो प्रजेंटेबल ही लगेगा। बट फैमिली लैटरस आर डिफिकल्ट टू राइट, लेकिन जी फैमिली नू लैटर लिखते हैं वो डिफिकल्ट है, प्रेम पत्र लिखने आसान आ बिकॉज यू हैव टू राइट मीनिंगफुल वर्ड्स, क्योंकि फैमिली नू तुहानू मीनिंगफुल वर्ड्स लिखने ने, जबकि आपां जिहड़े है अपनी लव लैटर विच किसी भी तरह का जिहड़ा हैगा आपां इमोशनस फीलिंग्स दे नाल लिख सकते हैं, लेकिन जदों फैमिली नू खत लिखने ने चिट्ठियां लिखने आपां नू सोच समझ के लिखनिया पैंदियां। हुण सैकेंड क्वेश्चन है, वट आर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर दैट हैव रूइंड द आर्ट ऑफ लैटर राइटिंग, हूँ लो स्टार्ट है या फिर लैटर राइटिंग किदा बर्बाद हो गई है अवली कला। सो ए सेम क्वेश्चन है, लॉन्ग च भी मैं करवाया सी, ये शॉर्ट दे विच भी कर रहे हैं। द लैटर द आर्ट ऑफ लैटर राइटिंग हैव बीन रूइंड, जिहड़ा आर्ट है लैटर राइटिंग का वह रूइंड मतलब बर्बाद हो गया। इट इज़ नॉट बीइंग प्रैक्टाइज्ड इन दीज डेज, इन दिनों में लैटर राइटिंग नहीं की जाती। लैटर राइटिंग हैज़ बीन वेरी चीप, जबकि हुण जिहड़ी लैटर राइटिंग है बहुत ही चीप हो गई है, बहुत ही पैनी कोस्ट लगती है, लेकिन पहले जमाने की हुंदा सी लैटर राइटिंग बहुत लोग लिखते सी अते महंगा भी सी, लेकिन हुण सिंगल पैनी कोस्ट लगती है। बट हुण जिहड़े पीपल ने आर बिजी, लेकिन लोग जिहड़े ने बहुत बिजी हो गए हैं, दे हैव नो टाइम टू सिट एंड राइट, उन्हां कोल टाइम नहीं कि वह बैठन अते लिखन। द टेलीफोन द टेलीग्राफ एंड द टाइपराइटर्स हैव डिस्ट्रॉयड दिस आर्ट, हूँ देखो टेलीफोन आ गए हैं, टेलीग्राफ मशीनस आ गई हैं, टाइपराइटर्स आ गए, तो यह जड़ा कला है ये बिल्कुल ही खो गई है, लोस्ट हो गई है। लैटर्स वर ट्रेजर्स ऑफ द पास्ट, हूँ जो पहले लैटर से लोग सामभ सामभ रखते सी कि यह मेरे बेटे की चिट्ठी आ, ये मेरे पति की चिट्ठी आ, लास्ट चिट्ठी है, तो वह संभाल के रखते सी, ट्रेजर यानी कि खजाना सी। पीपल यूज टू प्रिजर्व दैम, पीपल जोड़े लोग से उन्होंने संभाल के रखते सी प्रिजर्व करके टंकां च पा पा के, है ना, पेटियां दे विच लॉक लगा के। बट दे वर रेयर, हुण देखो बिकॉज दे वर रेयर, चिट्ठियां जिहड़ियां सी रेयर सीगियां, दुर्लभ सीगियां। बट नाउ टैक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग एंड लैटर्स लैटर राइटिंग इज़ लोस्ट, हुण देखो टैक्नोलॉजी तो ग्रो कर रही है तो लैटर राइटिंग जिहड़ी हैगी है लोस्ट हो रही है। हुण है वट इज़ द रेसिपी, रेसिपी हुंदा है नुस्खा ऑफ लैटर राइटिंग, हुण चंगे लैटर राइटिंग दे केड़े केड़े नुस्खा, मतलब अच्छे लैटर लिखने तक की गुण होना चाहिए, या फिर एक होर क्वेश्चन आता हुंदा है कि ऐसे ते लैटर दे विच की डिफरेंस आ।
आपा दोनों क्वेश्चनों का सिमिलर ही आंसर लिखना है। अ लैटर इज रिटन इन अ डिफरेंट मैनर, हुण जिहड़ा लैटर है बड़े डिफरेंट मैनर नाल लिखा जाता है। द मेन ऑब्जैक्टिव ऑफ लैटर राइटिंग इज़ टू अनेबल द रीडर फील द इमोशंस, क्योंकि लैटर राइटिंग आपां ये चीज़ सोच के चलते हैं कि जो असी फील कराना चाह रहे हैं, जो असी फील कर रहे हैं, वह सामने जिसको लैटर चाहेगी वह भी फील करे, तो इमोशंस के नाल असी लैटर नूं लिखते हाँ। तो हुण जिहड़ा हैगा कि ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड फीलिंग ऑफ द राइटर, क्योंकि जिदे को राइट ये लैटर जा रही है तो वह भी उस सिचुएशन नूं उस फीलिंग्स नूं समझे, ता करके आपां लैटर लिखते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एन एसे हैज़ एबसट्रैक्ट आइडियाज़, लेकिन एसे च एबसट्रैक्ट आइडियाज़ होंगे ने, उदे विच आपां जिद्दां मर्जी लिख दिए लेकिन आपां नूं ये चीज़ नहीं पता होंदा कि फीलिंग्स इहदे विच लिखणियां ने। ठीक है, लैटर्स च फीलिंग होंदी है, एसे च कोई भी फीलिंग नहीं होंदी। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो लैटर्स दे विच तां इमोशन फीलिंग होंदी है लेकिन एसे च कोई भी फीलिंग्स अते इमोशंस नहीं होंदियां। द रेसिपी ऑफ गुड लैटर राइटिंग, हुण देखो नुस्खा दस्सिया कि अच्छे लैटर राइटिंग का नुस्खा की है, दैट अ गुड लैटर शुड बी सिंपल एंड परफेक्ट, जिहड़ी अच्छी लैटर है वह सिंपल होनी चाहिए है, परफेक्ट होनी चाहिए है, इट शुड बी परसनल होनी चाहिए, साढ़े दिल के बिल्कुल करीब होनी चाहिए है, इमोशनस से फीलिंग्स के नाल बिल्कुल लैस होनी चाहिए है। ठीक है, सो यह सी अज का वीडियो, मिलते हैं आप जल्दी जल्दी नवे वीडियोज़ के नाल। थैंक यू सो मच।